हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राजेश कुमार बालोजी एंड दिस चैनल्स हेल्प इफ यू आर स्टडी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन. सो साथ दिस वीडियो बेयर वेरी केयरफुली एंड सजेस्ट योर फ्रेंड्स. टुडे आई टीच नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्लड कॉर्पल्स WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्स. WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्स जिसको श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, दो चीज कह सकते हैं इसको हम लोग जो है वो ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी पुकारते हैं बिकॉज दे आर कलरलेस. ठीक है, कलरलेस मीन्स ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दिस वर्ड इज लैटिन वर्ड. एंड टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट को हम लोग जो है शॉर्ट में TLC बोलते हैं. TLC मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट. नंबर ऑफ WBC 8000 टू 11000 पर mm³. एंड DLC की बात करते हैं, मतलब डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट, नंबर ऑफ परसेंटेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन पर क्यूब mm ब्लड. अगर एक mm ब्लड में कितने परसेंट जो डिफरेंट टाइप्स की ल्यूकोसाइट्स होती हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिडोफिल्स 4% ऑफ TLC टोटल ल्यूकोसाइट्स का 4%, बेसोफिल्स 0.5% से 1% टोटल TLC का, न्यूट्रोफिल्स 65-70%, मोनोसाइट 4-8% एंड लिम्फोसाइट 25-30%. तो इस प्रकार देखें तो टोटल या TLC की अगर बात करते हैं तो टोटल TLC में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं. फिर आता है हमारा ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, अगर क्या कह रहा है, इंक्रीज इन TLC, अगर टोटल ल्यूकोसाइट्स में इंक्रीजेस हो जाए, बढ़ जाए. ठीक है, और दिस कंडीशन इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, जब बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाती हैं, इस क्रिया को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं. फिर है हमारा ल्यूकोसाइटोपिनिया. ल्यूकोसाइटोपिनिया मीन्स डिक्रीज इन TLC. नॉर्मल TLC इंक्रीज इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, बट इन टाइफाइड एड्स TLC डिक्रीज. अगर टाइफाइड होगा या एड्स है तो उस कंडीशन में आपकी TLC क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होगी, इसी को हम लोग ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते थे. ल्यूकीमिया क्या है, एबनॉर्मल इन केस द TLC मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड ब्लड कैंसर. तो ल्यूकीमिया मीन्स ब्लड कैंसर. ठीक है, दूसरा अगर हम इसमें बात करते हैं इसका किसके अनुसार, ऑन द बेसिक ऑफ न्यूक्लियस केंद्रक, नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का नेचर है, और ल्यूकोसाइट्स आर टू टाइप, दो प्रकार की ल्यूकोसाइट्स होती है, एक होती है हमारी ग्रेनुलोसाइट, दूसरी होती है अग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुल्स ठीक है, कण कह रहा है इन दिस साइटोप्लाज्म ग्रेनुल आर प्रेजेंट विच कैन स्टैंड बाय द स्पेसिफिक डाई, इसके लिए स्पेशल डाई होगी जिसके द्वारा इसको हम लोग स्टैंड कहेंगे, कलर कहेंगे. अगर इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस हमारा जो है वो कैसा है, आपका दो चीजें है, मल्टी लोब्ड है एंड लोब आर इंटरकनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्टेन. ठीक है, जो जीवद्रव स्टेन है, ठीक है, या जीवद्रव स्टैंड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लोब्ड, लोब के प्रेजेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर. ठीक है, इसको हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC कह देते हैं. ठीक है, कहां प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस इन बोन मैरो, दे आर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. अभी मैं फिगर के माध्यम से भी आपको दिखा दूंगा, तो उस समय किरे किरे के देख लीजिएगा. अग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म क्लियर होगा एंड अग्रेनुलर होगा. दूसरा, न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इन लोब्स, इसमें लोब में डिवाइड नहीं होता, जबकि उसका न्यूक्लियस क्या हो रहा था, मल्टी लोब्ड हो रहा था ना, डिवाइड हो रहा था. सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर WBC, इसको मोनोन्यूक्लियर WBC भी कहते हैं. ठीक है, और ये कहा जा सकता है कि ये प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो से ही बनती है, ये भी दो प्रकार के मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. हम बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स,
ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये है आपके ग्रेन्यूलो पार्ट्स का पहला पार्ट है, एसिडोफिल्स, जिसको हम लोग इओसिनोफिल्स भी कह देते हैं। 4% होता है टोटल टीएलसी का। शेप अगर अमीबा के आकार के होगा, अमीबाइड साइज होगा, साइज 10 से 14 माइक्रोन होगा, लाइफ स्पैन 14 घंटे तक होगा, और कहा जा सकता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दिस साइटोप्लाज्म एसिडोफिल्स कहेंगे, तो इन देयर साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन बी स्टेन बाय द एस्टिक डाई इओसिन। इसको एस्टिक डाई इओसिन के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, कलर कर सकते हैं, ठीक है, स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और किसके कारण, इन देयर साइटोप्लाज्मिक एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो जायज बात है बाइलोब्ड होगा, कैसा होगा भी फिगर के माध्यम से मैं अभी आपको बता दूंगा, ऐसे होगा। ऐसे करके कुछ इसमें अंदर से लोबुल होगा इसका, ठीक है। और दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है और उसके माध्यम से, और क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एलर्जी, ठीक है ना। इन एलर्जी दे सेंथाइज, ये संश्लेषित करेगा हिस्टामिन प्रोटीन को, और इन पैरासिटिक इन्फेक्शन दे एक्ट एज लाइसोसोम, जैसे लाइसोसोम काम करता है, कैसे करेगा, दे अटैक विद द सरफेस ऑफ आवर बॉडी वॉल टू पैरासिटिक सिंथेसिस एंजाइम्स विच डिजॉल्व बॉडी वॉल टू पैरासाइट्स एंड डिस्ट्रॉय देम। ये करेगा क्या, वो तो चाहिए, जैसे कोई पैरासिटिक बॉडी के अंदर आएगा ना, उसको क्या करेगा, एंजाइम सेक्रेट करेगा, सिंथेसिस करेगा और उसको डिजॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफिलिक कंडीशन, अगर एसिडोफिलिक कंडीशन है, एसिडोफिलिक क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना, तो इसे हम लोग इओसिनोफिलिया बोलते हैं, इसिनोफिलिया जिसको आप बोलते हैं, विच ऑकर्स इन, ठीक है, जिससे आपका टेंसिलसिस होगा और एस्कैरियसिस और हे फीवर, ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो सकती है। क्लियर, ओके।